हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एरे के बारे में पढ़ाया था कि व्हाट इज एरे, रो मेजर एंड कॉलम मेजर, एरे रिप्रेजेंटेशन एंड वेरियस ऑपरेशन ऑफ एरे। तो उसमें एक ऑपरेशन था, सर्च ऑपरेशन था, ये जो भी मैंने पढ़ाया था उसमें। तो सर्चिंग क्या है, सर्च क्या है, तो कोई भी हमारे एरे में जो भी हम डेटा है, पर्टिकुलर कोई एलिमेंट है या फिर कोई वेरिएबल है, उसको हम सर्च करते हैं कि वो उस एरे में अवेलेबल है या नहीं उस डेटा में, तो उसको बोलेंगे सर्च। तो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, सर्च इज अ यूज टू फाइंड वेदर द डिसाइड डेटा इज प्रेजेंट इन द सेट ऑफ डेटा और नॉट। इफ इट प्रेजेंट द सर्च ऑपरेशन प्रोवाइड अस इट्स पोजिशन। तो सर्चिंग क्या करता है कि हमारे जो भी डेटाज है, जो भी डेटा है मेमोरी में, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसमें पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट फाइंड करता है, सर्च करता है। अगर वो मिल जाता है तो हम उसकी पोजीशन, आपको वो कंप्यूटर उसको सेंड करता है कि वो कौन सी पोजीशन पे स्टोर है। तो कंप्यूटर में, सॉरी, डेटा स्ट्रक्चर में दो टाइप्स की सर्चिंग मेथड्स है, टेक्निक बेसिक। फर्स्ट इज अ लीनियर सर्च एंड सेकंड इज अ बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च को हम सिक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं, तो हम डायरेक्टली जाएंगे लीनियर सर्च में। तो लीनियर सर्च का यहाँ पर मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। सो दिस मेथड इज यूज टू फाइंड आउट एलिमेंट इन द अनऑर्डर लिस्ट। देखो ये एक लाइन याद रखना कि जब भी हम लीनियर सर्च में सर्चिंग करते हैं, कोई भी एलिमेंट को सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसके अंदर जो भी डेटा है, लीनियर सर्च के लिए जो भी हम एरे यूज करते हैं, तो उसके अंदर जो डेटा है वो कोई ऑर्डर में नहीं होगा, अनऑर्डर लिस्ट होगा। अनऑर्डर लिस्ट मीन्स व्हाट, कि वो डेटा या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा, वो कोई भी विदाउट एनी कोई मैनर के अलावा वो किसी भी तरीके से स्टोर होता है, लेकिन सब होता डेटा है लेकिन वो कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करता। सपोज द लिस्ट एन कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्स एंड वी वांट टू फाइंड द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। इन दिस टेक्निक फर्स्ट द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट इज कंपेयर विद द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। इफ द मैच इज फाउंड देन द सर्च इज टर्मिनेट। ये मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है एल्गोरिदम का। तो उसमें होता क्या है कि L मेरा लिस्ट है, लिस्ट मीन्स एरे है, और मुझे उसके अंदर n टोटल एलिमेंट्स है, टोटल n एलिमेंट्स और से n वैल्यूज है। तो लीनियर सर्च में क्या होता है, सीक्वेंस में सर्च होता है। तो सीक्वेंस मीन्स व्हाट, कि जो भी मुझे फाइंड करना है वो फर्स्ट वैल्यू के साथ चेक करेगा, फर्स्ट के साथ वो मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो वो सेकंड के पास जाएगा, सेकंड चेक कर रहा है मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है तो वो थर्ड के पास जाएगा। तो वन बाय वन वो नेक्स्ट 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 जो भी डेटा है उसके साथ वो चेकिंग करता रहेगा। तो ये एक प्रोसीजर है लीनियर सर्च की और से सीक्वेंस में। तो मीन्स वन बाय वन वो एक एक एलिमेंट सर्च करता है। तो ये उसका अल्गोरिदम है। तो यहाँ पर मैंने अल्गोरिदम का नाम लिखा हुआ है सिक्वेंशियल सर्च। के, एन और एक्स तीन आर्ग्यूमेंट मैंने पास की है। के क्या है, इट्स अ लिस्ट और से जो भी हम एरे डिफाइन करेंगे उसका नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है के। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है हमारे एरे में। और एक्स क्या है, एक्स जो भी वैल्यू मुझे सर्च करनी है वो हम डालेंगे एक्स के अंदर। तो स्टेप वन, इनिशियलाइज सर्च। तो सर्च करने के लिए पहले मुझे काउंटर डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे फर्स्ट से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट मैं एक आई वेरिएबल इनिशियलाइज करूंगी, उसकी वैल्यू डिफाइन करूंगी वन। फिर क्या करूंगी, ये एक लाइन है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके, कि के अंदर n एलिमेंट्स है तो n प्लस वन के अंदर मैं x डाल रही हूँ। तो मीन्स लास्ट लोकेशन के बाद मैं x की वैल्यू पुट कर रही हूँ। सर्च द वेक्टर मीन्स ये स्क्वायर ब्रैकेट में आप जो भी लिखते हो वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन होता है उस स्टेप में क्या कर रहे हो आपको। रिपीट वाइल k ऑफ i नॉट इक्वल टू x, मुझे रिपीट करना है कब तक, जब तक
के ऑफ आई नॉट इक्वल टू एक्स, जब तक के ऑफ आई के अंदर जो वैल्यू है वो एक्स नहीं होती, तब तक मुझे नीचे जो लाइन लिखी है एक, वो मुझे बार बार एग्जीक्यूट करनी है, मीन्स रिपीट करनी है। क्या लाइन लिखी है? आई इक्वल टू आई प्लस वन, मीन्स आई की वैल्यू वन इंक्रीमेंटेड बाय वन, मीन्स एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। कब होगी? जब के अंदर जो वैल्यू है वो एक्स, मीन्स हमारी की के साथ मैच नहीं हो रही, हमारे एलिमेंट के साथ मैच नहीं हो रही, तो मुझे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है। सक्सेसफुली सर्च, अब ये इंक्रीमेंट करते रहना है। कब तक करना है? जब तक नहीं मिलती। जैसे ही मिल जाती है तो लूप में से हम बाहर निकल जाएंगे। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर सर्च में चेक करना है कि इफ आई की वैल्यू एन प्लस वन हो रही है, एन प्लस वन हो रही है तो मीन्स हम लास्ट तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी हमें वैल्यू नहीं मिल रही। एन प्लस वन में कौन सी वैल्यू? देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि एक्स की वैल्यू, तो एन प्लस वन हो रहा है तो अनसक्सेसफुली सर्च, मीन्स लास्ट तक हम पहुंच जाते हैं फिर भी हमें नहीं मिलती। तो लास्ट के बाद मैंने एंटर किया था तब मुझे आई की वैल्यू वहां तक मिलती है। तो एन एलिमेंट है तो एन के एन एलिमेंट मैंने सर्च कर दिए हैं, तो क्या हुआ? अनसक्सेसफुली सर्च, मीन्स सारे के सारे एलिमेंट चेक हो गए हैं, तो अनसक्सेसफुली सर्च। अगर ऐसा नहीं होता, दैट मीन्स कि आई की वैल्यू एन तक नहीं पहुंचते, तो मीन्स बीच में ही रह गई होगी आई की वैल्यू। आई की वैल्यू बीच में कब होगी? जब आई मैच हो जाता है, आई के अंदर के ऑफ आई की वैल्यू एक्स के साथ मैच हो जाती है, तो हमारा लूप वहां पर टर्मिनेट होता है। तो टर्मिनेट हो जाएगा तो आई की वैल्यू लेस देन एन होगी, तो लेस देन एन, एन मीन्स एल्स पार्ट, तो क्या होगा? हमारा सक्सेसफुली सर्च। तो आई की वैल्यू के साथ हम चेक करते हैं कि वन बाय वन वो चेकिंग करता है। तो इसीलिए सिक्वेंशियल सर्च में टोटल एन एलिमेंट है तो हमारा लूप एन तक घूमता है। तो इसीलिए लीनियर सर्च और से सिक्वेंशियल सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन। अब सेकंड है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या है? बाइनरी सर्च में पहले ये एक बात याद रखना, लीनियर सर्च में आपका ऑर्डर होगा वो अनऑर्डर लिस्ट में होगा, लेकिन बाइनरी सर्च में आपका जो भी डेटा होगा वो ऑर्डर लिस्ट मीन्स सिक्वेंशियल फॉर्म में होगा। अब ये एक लाइन तो पहले मैंने बता दी आपको, इट इज अ वेरी एफिशिएंट मेथड टू सर्च एलिमेंट, वो एक अच्छी मेथड है कंपेयर टू द सिक्वेंशियल सर्च। फर्स्ट, अब जब आपको लीनियर सर्च करना, बाइनरी सर्च करना है, तो उसके लिए आपको पहले दो पॉइंटर डिफाइन करने पड़ेंगे, लो एंड हाई। लो मीन्स सबसे फर्स्ट वैल्यू जो होगी, सबसे लो वैल्यू होगी, क्योंकि इसमें डेटा एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, तो सबसे कम वैल्यू होगी उसको हम पॉइंटर, उस वैल्यू को हम पॉइंट करेंगे लो पॉइंटर से, और सबसे हाई वैल्यू होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे हाई पॉइंटर से। फिर हमें उन दोनों के बीच की मिडल वैल्यू फाइंड करनी है, तो मिडल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? लो प्लस हाई डिवाइड बाय टू। पर उसकी वैल्यू अगर पॉइंट में आती है फिर भी हमें उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो ये जो एरे है, जो भी 100 का हो या 10 का हो, तो फर्स्ट वैल्यू को पॉइंट करेगा लोअर, सेकंड पॉइंट लास्ट को पॉइंट करेगा हाई, तो इन दोनों का मिडल होगा 5। तो 5 जो होता है, तो अब मिडल जो वैल्यू होती है, मिडल जो पॉइंटर मिलता है उसके अंदर जो वैल्यूज है उसका हम सर्च, जो भी हमारी वैल्यू सर्च करनी है उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो मैच हो जाती है तो हमारा सर्चिंग कम सक्सेसफुली, लेकिन अगर मैच नहीं होती तो हम देखेंगे कि हमने हमारा एरे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मिडल पॉइंटर डिफाइन करने के बाद 5 पार्ट मिडल से लोअर हो गए और 5 5 वैल्यूज मिडल से हायर होगी, तो हम बीच में एरे को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अगर हमारी वैल्यू मिडल से कम है तो मुझे क्या करना है? हाई पॉइंटर को फिर से सेट करना है। हाई पॉइंटर कौन सा सेट होगा? मिडल माइनस पर, मिडल से कम रहेगा। लेकिन हमारी वैल्यू मिडल से ज्यादा है तो मुझे क्या करना है? हमारा लो पॉइंटर सेट करना है। लो पॉइंटर क्या बनेगा? मिडल प्लस वन। तो अब हम मुझे मिडल से ज़्यादा जो भी 5 वैल्यूज है उसमें कंपेयर करना है, तो उसका मुझे लोअर मैंने सेट कर दिया और हायर ऑलरेडी था ही, तो अब जो 5 वैल्यू बचती है उसमें से मुझे फिर से मिडल फाइंड करना है और फिर से वो चेकिंग करना है क्या मिडल की वैल्यू
जो मुझे फाइंड करनी है उस वैल्यू के साथ मैच कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो मिडल की वैल्यू से हमारी जो भी वैल्यू सर्च करनी है वो कम है या ज़्यादा है उसके हिसाब से मुझे मिडल और हाई पॉइंटर सेट करते रहना है, लोअर और हाई पॉइंटर एंड मिडल पॉइंटर। तो ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, आप एक देख लो एग्जाम्पल। ये 110 का मैंने एक एरे डिफाइन किया है और मुझे फाइंड करना है 275। तो 275 फोर्थ लोकेशन पे है, तो पहले मुझे यहाँ पर 100 मेरा लो होगा और 625 मेरा हाई होगा। तो 100 कौन से लोकेशन पे है, 1, 625 10 पर है, तो मुझे पहले मिडल फाइंड करना है 1 + 10 डिवाइड बाय 2 करके 5, तो 5 हो जाएगा 318 मेरा। तो अब मुझे क्या करना है, 318 हो जाएगा, तो 318 को मुझे 275 से कंपेयर करना है। तो 318 275 से ज़्यादा है, तो अब मुझे यहाँ से मुझे मेरा डिवाइड करना है एरे, तो लोअर मेरा वही का वही रहेगा लेकिन हायर जो मेरा 625 था तो उसकी जगह पर हायर हो जाएगा मेरा 275। देखो ऐसे होगा कि मिडल जो अगर एलिमेंट जो भी वैल्यू है वो लोअर है तो मुझे हाई पॉइंटर सेट करना है। हाई पॉइंटर क्या होगा, मिडल माइनस वन, तो 5 - 1 = 4। उसके बाद मुझे फिर से मिडल फाइंड करना है, तो लो तो मेरा 1 था, हाई मेरा 4, तो 4 + 1 डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स कि आंसर आ जाएगा 2। तो अब 2 के अंदर कौन सी वैल्यू है, 151, तो 151 के साथ वो चेक करेगा, तो 151 से ज़्यादा है 275। तो मुझे क्या करना है, अगर ज़्यादा है तो मुझे लो पॉइंटर सेट करना है, तो लो पॉइंटर क्या होगा, मिडल प्लस वन, मिडल क्या था 2, 2 + 1 मीन्स क्या हो जाएगा 3, तो 3 क्या हुआ, 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा मेरा लो और ये था मेरा हाई 203। और देखो तो लोअर हो जाएगा 3 + 1 दैट मीन्स के 4, तो ये हो जाएगा 4 + 4 डिवाइड बाय 4 और हो जाएगा 275। तो ऐसे ये पूरा का पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ये मेरा अल्गोरिदम है। अल्गोरिदम में मैंने पहले बोला था कि अगर आप उसका नाम कैपिटल में लिखोगे तो अच्छा रहेगा, तो बाइनरी सर्च अल्गोरिदम का नाम लिखा है KNX। के मीन्स एरे, एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन के एरे, और एक्स जो भी मुझे सर्च करना है। तो स्टेप वन क्या है, लो मुझे 1 इनिशियलाइज करना है और हाई मुझे n इनिशियलाइज करना है। फिर क्या लिखा है, रिपीट थ्रू स्टेप 4 बाय लो लेस देन और इक्वल टू हाई। लोअर की वैल्यू हाई से कम या उससे उतनी नहीं होती, इक्वल टू, तब तक मुझे स्टेप 4 तक मुझे एग्जीक्यूट करना है, स्टेप 4 तक मुझे जाना है, एग्जीक्यूट करते रहना है। तो स्टेप 4 में से पहले मुझे स्टेप 3 एग्जीक्यूट करना है। स्टेप 3 में क्या है, लो और हाई, हाई मैंने डिफाइन किया था, उसके हिसाब से मुझे मिडल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, तो जो भी आंसर आएगा वो मैं डालूंगी मिडल में। फिर मुझे क्या करना है, मिडल के अंदर जो वैल्यू है उसको मुझे एक्स के साथ कंपेयर करना है। देखो इफ एक्स लेस देन के ऑफ मिडल, अगर मिडल की वैल्यू से कम है एक्स की वैल्यू तो मुझे हाई वैल्यू सेट करनी है। क्या करेंगे, मिडल माइनस वन, लेकिन एक्स की वैल्यू ज़्यादा है मिडल से तो मुझे क्या करना है, लो की वैल्यू सेट करनी है। लो क्या होगा, मिडल प्लस वन। अगर ये दोनों नहीं है दैट मीन्स वॉट, कि एक्स की वैल्यू मिडल के अंदर जो वैल्यू है और वो दोनों मैच हो रही है, तो मुझे क्या करना है, सक्सेसफुली सर्च और रिटर्न करना है मिडल। तो ये लूप कब तक घूमेगा, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी तब तक, मीन्स लो लेस देन और इक्वल टू हाई। जैसे लो की वैल्यू हाई से ज़्यादा हो जाएगी तब हम बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे हम बाहर निकलेंगे तो क्या प्रिंट होगा, राइट अनसक्सेसफुली सर्च एंड रिटर्न 0। ओके, बाय एवरीवन।